एडवोकेट वेलफेयर एडमेंड बिल के विरोध में अब राजस्थान राजस्व मंडल के वकील समुदाय उतर गया है। राजस्व अभिभाषक संघ ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर हड़ताल की। इस दौरान राजस्व मामलों का काम ठप हो चुका है। राजस्व मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के माध्यम से वकीलों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी उन युवा वकीलों को होगी जिन्होंने अभी अपनी वकालत शुरू की है। इस बिल के माध्यम से वेलफेयर फंड को 17,500 से बढ़ाकर 30,000 किया गया है। वहीं वेलफेयर टिकट की राशि 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, जिसका भुगतान युवा वकीलों द्वारा किया जाना संभव नहीं होगा। वकीलों द्वारा अजमेर कलेक्टर विष्णुमोहन शर्मा के मार्फत एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा है। अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 जो सरकार ने पारित किया है, उसके विरुद्ध में आज हमने ये कार्य स्थगित किया है। हमारी मीटिंग 11/3/2020 को हुई थी, उसमें हमने माननीय महामहिम राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को विरोध पत्र भेजे हैं, और उसमें हमने कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से जो विधेयक पारित किया उसको रोकें तथा पूर्व में जो व्यवस्था चल रही थी उसको यथावत बनाए रखें। आपत्ति कहाँ है आपत्ति किस बात की? आपत्ति इस बात की कि उन्होंने 1,00,000 रुपये कर दिया, वन टाइम फीस जो 1,00,000 रुपये कर दिया है, और प्रिस्क्रिप्शन जो बढ़ाया वो 2,500 जो 1,250 रुपये था उसको 2,500 जस्ट दुगना कर दिया, वो बिल्कुल गलत है। नए वकील लोग कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे, और ये बाहर जो है पक्षकारों पे पड़ेगा। वकालतनामे की 25-30 रुपये लगते थे, वो 50-100 रुपये कर दिया। ये एक्चुअल वकीलों के लिए बहुत ज़्यादा कुठाराघात है, और इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। अच्छा, कब तक रहेगा आपका ये विरोध? आज तो हम सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, कल बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की मीटिंग है इस संदर्भ के अंदर, और जो भी निर्देश बार काउंसिल हमें देगी उसका राष्ट्रपति पालन करेंगे।